16 अप्रैल 2021 हमीदिया अस्पताल में मचा हड़कंप। सेंट्रल ड्रग स्टोर से चोरी हुए रेमडेसिविर के 863 इंजेक्शन। 17 अप्रैल को दर्ज FIR। हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आईडी चौरसिया, सेंट्रल ड्रग स्टोर प्रभारी डॉक्टर संजीव जयंत हटाए गए। 3 कर्मचारी RP कैथल, तुलसीराम पाटनकर, अलकेंद्र दुबे को भी हटाया। पूर्व अधीक्षक समेत 35 लोगों से पूछताछ। देश में जब कोरोना पीक पर था तब प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया अस्पताल के इस स्टोर रूम से 863 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो गए थे। बाद में कहा गया कि अस्पताल में ही ये मिल गए। मामला क्राइम ब्रांच के पास है, वो जांच कर रहा है, लेकिन जांच की रफ्तार इतनी धीमी है कि लगता है कि जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जी हाँ, जिस समय रेमडेसिविर की कमी से लोग मर रहे थे, एक एक इंजेक्शन की मारामारी थी, उसी दौरान हमीदिया अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो रहे थे। जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की, हमीदिया के सेंट्रल ड्रग स्टोर का रिकॉर्ड जब्त किया। क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची तो स्टोर रूम के बाहर की ग्रिल कटी हुई मिली। पुलिस के बयान सामने आए कि चोरों ने ग्रिल काट कर रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी की। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने हमीदिया अस्पताल के 16 कर्मचारियों को हिरासत में लिया। स्टोर से जुड़े कर्मचारियों के साथ एम्बुलेंस का ड्राइवर भी था। लेकिन क्या हुआ, अब तक क्राइम ब्रांच ना तो ये पता लगा पाई कि चोरी किसने की थी और ना ही रेमडेसिविर के चोरी गए पूरे डोज मिल पाए हैं। क्या पुलिस ने जांच में कोई कोर कसर बाकी छोड़ी या फिर इस मामले को दबा दिया गया? जो रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी गए उनसे 144 कोरोना पेशेंट्स का इलाज हो सकता था। इंजेक्शन ना मिलने के चलते कई लोगों ने दम भी तोड़ दिया। तो कौन था इन मौतों का जिम्मेदार, वो सामने क्यों नहीं आ पाया? द सूत्र ने इन तमाम सवालों को लेकर 3 महीने पहले हुए इस सनसनीखेज मामले की पड़ताल शुरू की। मामले की तह तक पहुंचने के लिए द सूत्र की टीम ने तत्कालीन अधीक्षक आईडी चौरसिया और स्टोर में उस वक्त पदस्थ कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की। इन सभी लोगों से क्राइम ब्रांच ने भी पूछताछ की थी, लेकिन किसी ने खुलकर मामले में बात नहीं की। लिहाजा द सूत्र को लेना पड़ा खुफिया कैमरे का सहारा, और खुफिया कैमरे के सामने जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले द सूत्र की टीम पहुंची तत्कालीन अधीक्षक आईडी चौरसिया के पास। पहले तो चौरसिया मामले को टालते रहे, उसके बाद उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच ने जो डायरी तलब की उसमें एंट्री तुलसीराम करता था और डायरी में लिखा है किसी मंत्री का नाम। डायरी में शायद लिखा हुआ था, मैं सुने मैं पीछे डायरी में लिखा मंत्री का नाम लिखा हुआ था, मंत्री लिखा हुआ था, तुलसीराम मतलब तुलसीराम से छोटा था। इसके बाद द सूत्र की टीम ने तुलसीराम से संपर्क किया तो उसने बताया कि मंत्री जी ने इंजेक्शन पहुंचाने के लिए कहा था। यह भी बताया कि आईडी चौरसिया का फोन स्टोर प्रभारी संजीव जयंत के पास आता था। संजीव जयंत उसे बताते थे कि मंत्री जी के यहाँ इंजेक्शन भेजने हैं। ऐसे में वो डायरी में नोट कर इंजेक्शन इशू कर देता था। ऐसे करीब 100 से 150 इंजेक्शन भेजे गए। मेरे पास तो साहब ने यही बोला कि देना है मंत्री जी की तरफ देना है। एक बार पहली बार में ही बार बोला गया था ऐसा कि देना है, बोले साहब ने बुलवाए हैं। एक्चुअल में होता क्या था, संजीव सर के पास फ़ोन आता था, डॉक्टर संजीव जैन सर के पास फ़ोन आता था, वो बोलते थे कि यार साहब ने मंगवाए हैं, मंत्री जी के पास देना है, इधर देना है, उधर भिजवाना है, ऐसा जैसे कहीं कहीं जो भी देना होता साहब ने बुलवाए करके बोलते थे। मैं खाली कागज़ में नोट करके रख लिया अपने पास डायरी में। तो वो ऐसे कितने इंजेक्शन होंगे मंत्री जी के लिए? कौन है वो मंत्री जिसके कहने पर आम लोगों के बजाय मंत्री के चाहने वालों तक ये इंजेक्शन पहुंचाए गए? द सूत्र को ये भी पता चला कि मामले में एक IAS की भूमिका भी संदिग्ध है। क्राइम ब्रांच के अलावा हमीदिया के डॉक्टर AK जैन की अध्यक्षता में एक कमेटी भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर रही है। अब सवाल है कि क्या एक मंत्री के नाम आने की वजह से इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है? कैसे इस पूरे मामले में ट्विस्ट लाया गया उसकी वानगी देखिए। जब क्राइम ब्रांच को पूछताछ में मंत्री के नाम का खुलासा हुआ तो नई कहानी सामने आ गई। कहानी ये कि रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी नहीं हुए थे बल्कि वो स्टोर रूम में ही रखे हुए थे। 20 अप्रैल को पुलिस ने बताया कि 400 इंजेक्शन अस्पताल में ही मिले और पुलिस ने इस मामले में दर्ज FIR को झूठा ही बता दिया। ये भी कहा कि कर्मचारियों ने ग्रिल काट कर क्राइम सीन तैयार किया था। एक्चुअल में मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, रिपोर्ट झूठी थी, गलत थी। ग्रिल काटने में भी वहाँ के कर्मचारी सम्मिलित थे और इंजेक्शन की जो संख्या थी, जब पूरा स्टॉक को हमने जब उसको क्रॉस चेक कराया गया था तो वो संख्या भी उसमें उतनी नहीं पाई गई जितनी उन लोगों ने रिपोर्ट की थी। तो इससे स्वतः सिद्ध होता है कि वो कर्मचारी मिले होंगे, लेकिन एक बार जब तक रिकॉर्ड पूरा नहीं मिल जाता और उन लोगों से बाकी जानकारियाँ जो मांगी गई हैं, क्योंकि उनके स्टॉक रजिस्टर तैयार ही नहीं थे। अब चूंकि पूरा मामला वेरीफाई जब हो जाएगा तो इसमें आगे चीज़ हम कार्रवाई करेंगे।
अब इस मामले में डीन जितेंद्र शुक्ला की भी सुन लीजिए। उनका कहना है कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट में गड़बड़ी थी, इंजेक्शन गायब नहीं हुए थे, ना ही किसी के कहने पर गायब किए गए थे। देखिए, रेमडेसिविर का जो मामला है उसमें मुझे तो काफ़ी कुछ ऐसा लगता है मामला कि जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता है उसमें ज़्यादा शिकायत उस संबंध में मतलब कमी रही जो उसमें रही है। और दूसरा, हमने अपनी समिति गठित की जा चुकी है हमारे यहाँ से भी, वह भी हमको भी जाँच अपनी रिपोर्ट देने वाली, और मामला क्राइम ब्रांच के साथ तो है ही है। नहीं, गायब कहीं नहीं करवाए गए हैं, यदि दिए गए होंगे तो नियमानुसार दिए गए होंगे। सवाल ये उठता है कि स्टोर में ही जब इंजेक्शन रखे थे तो FIR दर्ज क्यों करवाई गई? FIR से पहले स्टोर की तलाशी क्यों नहीं ली गई? जिस रेमडेसिविर का एक एक इंजेक्शन लोगों के लिए जीवन रक्षक था, उसे इस तरह से कैसे रखा जा सकता है? सवाल ये भी है कि कहानी को उलझाकर पुलिस और अस्पताल प्रबंधन किसे बचाना चाह रहा है? पुलिस ने तो इस मामले में खात्मा लगाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट ने 21 जून को पुलिस को पूरे मामले की जांच पूरी करने के आदेश दिए और पुलिस को सेक्शन 173 के तहत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। लिहाजा पुलिस अब फंस चुकी है, इसीलिए जांच से पहले किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही। जब तक जांच में सारी तथ्य क्लियर नहीं होंगे तब तक गिरफ्तारी तय करना या चालान या खात्मा या खारिज जो भी होगा, मैंने जैसा कि अभी बताया कि केवल इसमें भी विवेचना चल रही है, इसमें अंतिम निर्णय का कहना कुछ भी अभी मुश्किल है। अगर इसमें जो लोग इन्वॉल्व पाए जाएंगे और हिसाब नहीं मिलता है और उनका जो स्टॉक है पूरा वो बाहर से जितनी जगह से आया है, इंदौर से और भोपाल से, और इनने यहाँ से अन्य डिस्ट्रिक्टों को भी जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है वो सारा जो इंजेक्शन रेमडेसिविर जब कोरोना काल का समय था, तो वो सारी चीज़ें जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी जब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें गिरफ्तारियाँ होंगी या चालान होगा या खात्मा होगा, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, केवल इसमें अभी विवेचना जारी है। पुलिस ने 400 इंजेक्शन मिलना बताया और पुलिस का कहना है कि बाकी बचे हुए इंजेक्शन का रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है, एक एक इंजेक्शन का हिसाब किताब हो रहा है, यानी जांच चल ही रही है या फिर जांच को लंबा खींचा जा रहा है। कुल मिलाकर सवाल यह है कि कौन है वो मंत्री और एक IAS जिनके इशारे पर रेमडेसिविर इंजेक्शन गायब हो गए थे।